हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं प्रेम भाटिया आपका स्वागत करता हूं और इस वीडियो में हम फॉरवर्ड पिपेटिंग और रिवर्स पिपेटिंग के बारे में जानेंगे। पिपेट के बारे में एक अन्य वीडियो से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, किंतु शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूं कि इसका क्या सिस्टम होता है। जब हमें किसी वॉल्यूम को एस्पिरेट करना होता है तो हमारे पास दो स्ट्रोक आते हैं, ये फर्स्ट और सेकेंड इसके और डीप में होता है। तो ये हमारा फर्स्ट स्ट्रोक है और ये सेकेंड स्ट्रोक है। तो इसके द्वारा हम एस्पिरेट करते हैं और वापस जो रिजिट होता है उसको किसी ट्यूब में ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये फर्स्ट स्टॉप, ये सेकंड स्टॉप, इसको आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए, फर्स्ट और सेकंड। तो इसी से हम फॉरवर्ड और रिवर्स पिपेटिंग के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो हमारे पास दो सैंपल है, फर्स्ट और सेकंड। तो पहले हम फॉरवर्ड पिपेटिंग देखेंगे और फिर दूसरे सैंपल से रिवर्स पिपेटिंग कैसे करते हैं वो देखेंगे, ठीक है। तो एक हम सैंपल ले लेंगे, हमारे पास EDTA सैंपल है जिसका प्लाज्मा सेपरेट किया हुआ है। तो अब पहले फॉरवर्ड पिपेटिंग देखेंगे। तो फॉरवर्ड पिपेटिंग में फर्स्ट स्टॉप तक हमको पुश बटन पुश कर लेना है और फिर उसको रिलीज कर देना है। तो इससे हमारा जो फ्लूड है वो हमारी टिप्स में आ जाएगा, ठीक है। और जब हमें इसको वापस किसी दूसरे ट्यूब में ट्रांसफ़र करना होता है तो वो जो पुश बटन है उसको केवल फर्स्ट स्टॉप तक ही पुश करना है। फ्लूइड को कम्प्लीटली ट्रांसफ़र करने के लिए जो हमारा सेकंड स्टॉप है वो काम में लेते हैं फॉरवर्ड पिपेटिंग। अधिकतर मामलों में फॉरवर्ड पिपेटिंग यूज़ में ली जाती है, रिवर्स पिपेटिंग का उपयोग नहीं लिया जाता है। जो फ्लूइड विस्कस होते हैं, हाई डेंसिटी वाले होते हैं, उनमें हम रिवर्स पिपेटिंग का उपयोग करते हैं। तो रिवर्स पिपेटिंग में आपको जो सेकंड स्टॉप है वहाँ तक पहले पुश कर लेना है और फिर जो फ्लूड है उसमें टिप्स को डुबो कर जितना भी हमने पुश किया है उसको वापस रिलीज कर लेना है। तो जितना भी हमारा जो अमाउंट है वो उसमें आ जाएगा। एक्स्ट्रा सैंपल जो पिपेट पे और टिप्स पे लगा है उसको हमें निकालने के लिए एक टिश्यू पेपर की सहायता से इसको हम पोंछ लेंगे, ठीक है। और उसके बाद हमें जिस ट्यूब में ट्रांसफ़र करना होता है तो केवल फर्स्ट स्टॉप तक हमें पुश करना है। तो ये हमारा जो 50 माइक्रोलीटर का वॉल्यूम है वो इसमें ट्रांसफ़र हो जाएगा और जो बाकी बचा हुआ जो वॉल्यूम है वो 50 माइक्रोलीटर के अलावा है। हमारा जो 50 माइक्रोलीटर चाहिए था वो हमें मिल गया है, ये 50 माइक्रोलीटर से अलग है। आई होप ये छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर लीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू वेरी मच।